हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी लड्डू, जो स्पेशली सर्दियों में खाए जाते हैं। बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और हर उम्र का इंसान इसको खा सकता है, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बूढ़े हो, हर कोई खा सकता है। बस प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, उसके अलावा हर कोई खा सकता है। प्रेगनेंसी के बाद भी इसे खाया जाता है क्योंकि बहुत ही गुणकारी ये होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम आपको मेथी के लड्डू बताने जा रहे हैं वो उतने कड़वे नहीं बनेंगे जैसे कि मेथी होती है। बिल्कुल हल्का सा ही आपको कड़वाहट महसूस होगा, जो खाने में बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू की रेसिपी है। ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो ज़रा से पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने ये 100 ग्राम सूखी मेथी के दानों को हमने 1.5 कप दूध में भिगो दिया था। 5 घंटे के लिए हमने इसे भिगो दिया है। मेथी को हमने ग्राइंड करके दूध में भिगोया है। तो ये मेथी का हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बना के नहीं इसे भिगोना है, हल्का सा बिल्कुल दरदरा रखना है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल हल्का दानेदार रहना चाहिए। ये हमने 300 ग्राम घी लिया है, तो घी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है। अभी हम इसमें घी थोड़ा लेंगे। ये हमने 2 चम्मच घी ले लिया है कढ़ाई में। तो अब इसमें हम 50 ग्राम बादाम ऐड करेंगे और 50 ग्राम काजू ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में लेना चाहे उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। इसे हमें घी में फ्राई कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ड्राई फ्रूट को हमने घी में फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। इसे हम घी से बाहर निकालेंगे। 50 ग्राम इसमें हम गोंद ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये गोंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए। तो इसको भी हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज आंच में फ्राई नहीं करना है। तो अगर ज़्यादा तेज आंच में फ्राई करेंगे जैसे क्या होगा, गोंद बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से गुठलियाँ रह जाएगी, कच्चा रह जाएगा। तो ध्यान रखें, बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए फ्राई करेंगे जैसे कि अंदर तक प्रॉपर अच्छे से फ्राई हो। तो ये गोंद हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, देख सकते हैं। तो अब इसे भी हम इस घी से बाहर निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप गोंद को चेक करने के लिए उसे थोड़ा सा तोड़ के भी ले सकते हैं। अगर ये अच्छे से अंदर तक लाइट हो गया है, वेट इसका अच्छे से टूट रहे हैं, तो उसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब उसी घी में हम 50 ग्राम नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। तो इसे हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए भुनना है। ये हमने ये नारियल का बुरादा लिया है जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सूखा नारियल लेके भी घर पर ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। तो 1 मिनट हमने लो फ्लेम पर इसको भुन लिया है। इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब उसी बर्तन में हम 2 चम्मच घी और लेंगे। 300 ग्राम इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम हमने मेथी ली है, तो इसमें हम 300 ग्राम आटा ले रहे हैं। आटे को हमने छान लिया है। तो ये आटे को हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। तो ये आटा अभी हमारा सूखा लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे और इसे हमें चलाते हुए ही मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो देखिए, ये आटे को हमने भून लिया है, देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो ये आटे को भी हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस बर्तन में हमने नारियल का बुरादा शिफ्ट किया है उसी बर्तन में हमें ये आटे को भी शिफ्ट कर लेना है। अब हम 3 चम्मच घी लेंगे उसी बर्तन में। तो जो भिगोई हुई हमारी मेथी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मेथी को भी हमें घी में चलाते हुए भुनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए इसको भुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेथी है उसको दूध में भिगोने से इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से मेथी की कड़वाहट ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, ज़रूर कम ज़रूर होती है दूध में भिगोने से। और मेथी की कड़वाहट पूरी तरीके से ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तभी इसका फ़ायदा रहता है। और आप जानते ही होगी, मेथी बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहती है, हर एज के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इसे खाना। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो लड्डू है वो प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा सकती है। हाँ, बच्चा होने के बाद ज़रूर खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन बच्चा होने से पहले नहीं खा सकते हैं। बाकी हर उम्र के लोग इसको खा सकते हैं, स्पेशली बड़े बूढ़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये लड्डू। तो ऐसे ही चलाते हुए इसको भून लेंगे।
ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे घी में फ्राई किए हुए, ये ठंडे हो गए हैं, इसे मिक्सर जार में डाल के दर दर ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये मेथी जो है हमारे एकदम खिले खिले से होने शुरू हो गई है, जैसे जैसे ये भुनती जा रही है इसे थोड़ा और हमें चलाते हुए भुनना है। तो ये मेथी को हमने 10 मिनट चलाते हुए अच्छे से भुन लिया है। मेथी को भुनने से भी इसका कड़वापन दूर होता है, कम होता है, तो इसलिए इसे अच्छे से ज़रूर भुने। तो इसे भी हम जिसमें हमने आटा शिफ्ट किया जिस बर्तन में, उसी में इसको भी शिफ्ट कर देंगे। तो उसी कढ़ाई में जो हमारा बचा हुआ घी है उसको डाल देंगे। 400 ग्राम ये हमने गुड़ को कट कर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स मेथी के लड्डू है इसलिए गुड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। तो गुड़ को हमें इसमें चलाते हुए मेल्ट कर लेना है। तो देखिए गुड़ मेल्ट होना हमारा शुरू हो गया है। एक बार मेल्ट होना शुरू होता है गुड़ तो फिर उसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये गुड़ को हमने पिघला लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। एक बड़ा चम्मच ये हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है। ये हमने 2 चम्मच खसखस ली है, ये रोस्टेड खसखस है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने रोस्टेड खसखस ली है इसलिए इसको हमने घी में रोस्ट नहीं किया है। अगर आपकी खसखस जो है वो रोस्टेड नहीं है तो आप घी में थोड़ा रोस्ट कर लीजिए उसे। 1 चम्मच इसमें हम सॉल्ट का पाउडर लेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, खांसी जुकाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, स्पेशली सर्दियों के लिए। और जो हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है इसमें उसका भी कई फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, कई वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं उसके भी कई फ़ायदे होते हैं। दिमाग की याददाश्त शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज होती है उसको खाने से। तो गैस को अब हमें ऑफ कर देना है, हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट ही करना था। तो अब ये जो हमारे भुनी हुई मेथी आटा और नारियल का बुरादा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा मिक्स होने पर ये हमने जो हमारा फ्राई किया हुआ गोंद था उसको हमने ग्लास की हेल्प से हल्का सा क्रश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो हम दस्ते से भी इसे हल्का सा क्रश कर सकते हैं और चाहे तो मिक्सर जार में भी एक बार चला सकते हैं। और ये जो हमारे घी में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट थे उसको भी हमने हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है, अब इसके लड्डू बनाएंगे हम। तो अब इसके हमें लड्डू बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है तो हल्का सा आप ठंडा कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से ठंडा ना करें इसे। ये देखिए एकदम अच्छे से लड्डू हमारा बाइंड हो गया है, ऐसे ही हमें लड्डू को रेडी करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मिक्सचर है सूखा है, घी की कमी लग रही है आपको, तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है लड्डू की। तो ऐसे ही सारे लड्डू को हम रेडी कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स ये हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी लड्डू रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए, बहुत ही बढ़िया बने हैं, आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट ये लड्डू बनकर रेडी हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाओगे देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, जितने टाइम आप इसे रखें सॉफ्ट ही रहेंगे। इसी तरीके से आप इसे 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे, पूरी सर्दी से इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही गुणकारी ये लड्डू है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। अगर आप हमीदास किचन पे नए हैं तो प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे एक नई से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।